हिप्पी तुम्हें हुस्न पर 10 तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो बताओ उसके घर का पता जानते हो। मैं दूसरे रास्ते चली गई, मैं गुम हो गई। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड इट्स अ व्लॉग। आई एम गोइंग टू सापुतारा जो कि गुजरात में है। ये एक हिल स्टेशन है, वहाँ मैं ट्रैकिंग के लिए जा रही हूँ एक ग्रुप के साथ। मैंने ऑनलाइन बुकिंग करी थी, कंपनी का नाम है इनवेंसिबल एनजीओ। उनकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड, बिकॉज मुझे अभी पैकिंग करनी है और उसके बाद निकलना भी है। तो देखो, पैकिंग तो हो गई है और ना लंच स्लैश ब्रेकफास्ट ब्रंच जो भी बोलते हैं उसके लिए पोहा बना लिया था। और रात को मैं डिनर के लिए गई थी क्योंकि रात को बस थी तो अच्छे से डिनर करके जाना ही था। वहाँ मैंने खाया था गार्लिक ब्रेड, चाय और बर्गर। इट्स द नेक्स्ट मॉर्निंग और पूरी रात बस में बिताने के बाद हम उतरे, थोड़ा सा फ्रेश हुए होटल के पास और अब हमें निकलना था गिरनार वाटरफॉल देखने के लिए। तो बहुत ही एक्साइटेड थी मैम, तो चलो चलते हैं गिरनार वाटरफॉल देखते हैं। मैं अपनी लाइफ में पहली बार वाटरफॉल देखने जा रही हूँ। फाइनली 30 मिनट्स के ट्रैक के बाद हम पहुँचे गिरनार वाटरफॉल और ये बहुत ही खूबसूरत था। वीडियो में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है बट सामने से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और पास में ही बहुत सारे ऐसे शॉप्स थे वुडन के और बैम्बूज के, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना के खुद से बेच रहे थे वो, जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा था। 15 मिनट्स लेटर उसके बाद हम पहुंचे अपने कैंप साइट जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह पे लोकेटेड था। वहाँ पे माउंटेन्स थे और बगल में हमारा कैंप था। फिर हमने फटाफट अपना टेंट लगाया, हमें ब्रीफिंग में बताया गया था कि टेंट कैसे लगाना है, उसके बाद हमने खुद से अपना बनाया और ये हमारा टेंट रेडी हो गया। हमारे टेंट से क्या ही मस्त व्यू था, आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत। तो इस टेंट में जिसमें मैं रह रही थी वहाँ पे हम चार लोग थे और वो चार लोग हम कितने अच्छे फ्रेंड बन गए थे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। उसके बाद सबने गेम्स खेली। आओ 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 आओ
Later that same evening. फिर उसी शाम को हम वापस से ट्रैकिंग के लिए गए। सनसेट पॉइंट पे जाना था हमें। ये वाला ट्रैकिंग उतना मुश्किल नहीं था, बस एक वार्म अप के लिए हमें लेके गए ताकि हमें थोड़ा आदत बन जाए सराउंडिंग को लेके और हमें थोड़ा आदत हो जाए, क्योंकि कल जो हमें ट्रैकिंग पे जाना है वो है मेन ट्रैकिंग। सो यहाँ पे हम निकल गए। Years later. So finally हम उस पॉइंट पे तो पहुंच गए, बट अभी और ट्रैकिंग बाकी है। ये सामने वाली जो पहाड़ी दिख रही है अभी उसके ऊपर हमें जाना है। Early the next morning. आज हम ट्रैक कर रहे हैं गवर्नर हिल की तरफ और आप देख सकते हो कितनी ऊंचाई पे आ चुके हैं हम। स्टार्ट किया था हमने वो मंदिर से जो बहुत ही नीचे था और इतनी ऊपर आ गए हैं और अभी और ऊपर जाना बाकी ही है, तो चलो चलते हैं।
तो यहाँ पे हम टेबल पॉइंट पे पहुँच गए हैं। टेबल पॉइंट एक्चुअली मिडल पॉइंट जैसा देख सकते हो आप गवर्नर हिल जब हम ट्रैक करते हैं तो, और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा था। यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे हम, फ़ोटोज़ क्लिक कराए और बहुत मस्ती मजाक किया। उसके बाद वापस ट्रैकिंग के लिए वहाँ से चले गए। कुछ लोग जिनको नहीं करना था वो वहाँ रुके, और जिनको करना था वो मोस्टली तो हम सारे ही गए थे वहाँ, ऊपर तक गए थे। और चलो अब आगे देखते हैं क्या होता है। सो फाइनली हम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए हैं, 3000 फीट एल्टीट्यूड पे, और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू था। कैमरा तो मेरा कैच ही नहीं कर पा रहा है। हम लोग आए हैं और इनकी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आई माइट सीम्स वेरी हैप्पी बट मेरे पीरियड्स आ गए हैं, बहुत दर्द हो रहा है और ट्रैक करके नीचे जाना है। काफ़ी ऊपर से आ चुके हैं, अभी और नीचे जाना है, थोड़ा और ट्रैक करना है और इट वुड बी फाइन। आई डोंट नो यू कैन इमेजिन और नॉट, बट ड्यूरिंग ट्रैकिंग इफ यू गॉट योर पीरियड्स इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू। नो नॉट वर्स, बट इससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता है, बट या इट्स वेरी पेनफुल। मैं दूसरे रास्ते चली गई, मैं गुम हो गई, कोई है ही नहीं, मेरे कैंप वाले भी कोई नहीं दिख रहे। थिंक मुझे इस रास्ते से जाना चाहिए। फाइनली आई एम आउट। मुझे पता नहीं था मैं दूसरे रास्ते से जाके वहाँ बैठी, मुझे लगा पीछे आ रहे कैंप वाले, बट वो इस वाले रास्ते से आ गए। आने टाइम हम दूसरे रास्ते से आए थे, जाने टाइम इसमें से आ गए, इसलिए मुझे पता नहीं चला। थोड़ी देर के लिए मैं गुम हो गई थी, मैं इसके पीछे वाले पहाड़ी पे चली गई थी। मैं वहाँ मस्त आराम से बैठी हूँ, मुझे लगा अब आ रहे अब आ रहे, कोई आ ही नहीं रहा। फिर मैंने देखा रोड से निकल रहे लोग, तब मेरा दिमाग झटका कि अरे ये कौन से रास्ते से आ गए। फिर तब मुझे पता चला कि मैं गुम हो गई हूँ पीछे। बहुत बढ़िया हो गया, गिर भी गई। और इससे बुरा क्या हो सकता है, पहले पीरियड फिर गुम हो जाना, फिर अभी रोड पे आके गिर गई। हाँ उसके बाद पहाड़ी से मैंने देखा मेरे दोस्त जा रहे थे सारे उधर से, तो फिर मैंने चिल्ला के पूछा, तब उन्होंने बताया पीछे से आना है। मैंने जाके देखा तो उधर से रास्ता था, तब मैं आई। अभी चलते हैं, मैं सबसे लास्ट हूँ, सब निकल चुके हैं। A few inches later. मेरा वो सन वाला नहीं, देखो ना आया ना, मेरा एक ही आया है। एक सन वाला, हाँ फैजल। तालियां तालियां नहीं बजता है, इसको आता है बजाना, फिर बजाएगा। मैं गया था चेक करने पर नोजल बहुत बुरी था। Hey guys, now the update is trekking खत्म हो गई है, खाना खा लिया है, थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम मिला है हमें, तो यहाँ पे हम सापुतारा लेक के पास आए हैं। और मैं तो मस्त
फैल गई हूँ यहीं पे। दो तीन फ्रेंड्स बन गए यहाँ पे, उनके साथ मज़ा आ रहा है, हंसी मजाक कर रहे हैं, बातें बातें कर रहे हैं। एंड यार दिस इज द अपडेट सो फार। धूप में आके नहीं खुलती। मैं यहाँ सोलो आई थी, बट यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए। करीब 60 लोगों का ग्रुप था और मोस्टली सब दोस्त बन गए थे। तो यहाँ पे हम चार लोग बोटिंग के लिए आए, बाकी सारे लोग कैंप मेंबर जो थे वो सारे सनसेट ट्रैकिंग के लिए गए थे। बट हमने सोचा हम थोड़ा रिलैक्स करते हैं और बोटिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ बहुत मज़ा आया। बोटिंग का हमें मिल गया था 30 मिनट्स, एक्चुअली वो अनलिमिटेड ही था, खुद ही चलाना था तो जितना मर्जी उतना करो, और 300 में चार लोग बहुत सही था। थर्ड डे एंड द लास्ट डे ऑफ द ट्रैक, और ये खूबसूरत व्यू के साथ स्टार्ट हुआ माय डे, सनराइज के साथ। आई लव सनराइज। नाउ आई नो दैट मुझे ना सनराइज ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू सनसेट। एंड कोइंसिडेंटली आई एम वेयरिंग अ रेनबो टी शर्ट कॉम्प्लीमेंटिंग दिस सनराइज। Say hi. How are you? खाना खा के जाना। इसका लॉजिक क्या होता है? Aesthetics. Hello. ये खूबसूरत जगह है, मेरी शादियों में। और कैमरामैन मने जी तो लादा मैं। ये हिप्पी हिप्पी हिप्पी। Thank you.
ब्यूटीफुल से व्यू के पास ही है हमारा कैंप। बहुत ही मज़ा आया ट्रैकिंग करने में और हमारा ग्रुप भी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही इंजॉय करके आए हम। और अब हम जा रहे हैं, ये हमारी यहाँ पे बस खड़ी है और अब हम बस निकल ही रहे हैं। और हम सभी को इनविंसिबल की तरफ से सर्टिफिकेट मिला और ये किचन बहुत ही सुंदर सा इनविंसिबल लिखा हुआ और पीछे सेव सोइल, बहुत ही अच्छा मैसेज है ये। हे गाइस, सो आई एम अपडेटिंग आफ्टर 1 आवर। अभी एक हॉल्ट के लिए रुका है, यहाँ एक पार्क है बहुत ही अच्छा, फोटोज क्लिक कराना है तो आई थिंक क्या नाम है उसका, बोटैनिकल पार्क। हाँ, तो यहाँ पे फोटोज क्लिक कराने के लिए रुके हैं सब। मैं नहीं गई अंदर क्योंकि 15 मिनट में क्या ही करेंगे और फोटोज बहुत सारे क्लिक करा लिए हैं वैसे भी मैंने। सो दिस इज द अपडेट सो फार। हाय हाय, चलो मैं आती हूँ। मच लेटर। लास्ट इरशाद है जो चिल्ली सांभळी ले होते चिल्ली। सुनो सुनो तुम्हें हुस्न पर दस तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो कि तुम्हें हुस्न पर दस तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो तो बताओ उसके घर का पता जानते हो, तो बताओ उसके घर का पता जानते हो। ये साइकोलॉजी, ये सियासती, ये साइंस, ये मैथ, ये सब पढ़ना भी अहम है, क्या तुम उसके घर का पता जानते हो? वाह भाई, इनका पता जानता हूँ। बस दे भाई बस। मेहनत इतनी करेंगे, मेहनत इतनी करेंगे यार। फिर से वहाँ बैठ के नहीं, यहीं पे बस बस बस।
हे गाइस गुड मॉर्निंग, कल हम रात को 11 बजे पहुंचे अहमदाबाद और बहुत ही मज़ा आया ट्रैकिंग में। मुझे बताना कि आपको ट्रैकिंग करना पसंद है या नहीं, या फिर आपने कभी ज़िंदगी में अब ट्रैकिंग किया है या नहीं। अगर किया है तो अपना एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर शेयर करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहेंगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।